नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जैब का कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल ए से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया है, और इससे रिलेटेड किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में। तो इन सेशन से आपको हेल्प होगी कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें से, राइट? तो ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। इमीडिएटली आफ्टर विच अमोंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ये लाया गया था? तो द करेक्ट आंसर हियर इज 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान 1990s के समय में एंड होता है, और इसके बाद 1990 एंड 91 में 2 एनुअल प्लान्स हम लेकर आए। 1992 से हमारा 8th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई, और उसके बाद आईएमएफ जो है उसे हेल्प करना पड़ा। और इन सभी चीजों में आईएमएफ ने जो डायरेक्शंस दिए थे कि रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे, तो हम रिफॉर्म्स लेकर आए, जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, राइट? सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। और इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आप जो है कॉपी किताब लेकर या फिर वैसे भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, और आप देख सकते हो कि कितना जो भी आपने पढ़ रखा है उन चीजों को रिवाइज करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है ये। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू नियरली -% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन इंडिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का कितना परसेंटेज एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं? 37 है, 56 है, 78 है, या फिर 45 है? तो ये सारे फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, और इनमें जो गेस करने का ऑप्शन बहुत ही कम होता है, इस वजह से डायरेक्ट आपको आंसर जो है वो आना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया आपको एमएसएमई का है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। यहाँ पर सही जवाब है डी, 45% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसमें लगभग आधा हम कह सकते हैं, 45 आधे के आसपास। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एमएसएमईज के द्वारा दिया जाता है, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। तो पीएसएल नॉर्म्स, जिसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स कहते हैं, जिसमें जो बैंक्स अलग अलग तरीके के उनके कुछ लिमिट्स हैं जो वो लेंड करेंगे टू सर्टेन सेक्टर, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर कह रहे हैं, राइट? तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है ये बैंक्स को एप्लीकेबल है, और बैंक्स मैंडेटेड है यानी कि कंपल्सरीली उन्हें उतना परसेंटेज जो है वो लेंड करना होगा टू द प्रायोरिटी सेक्टर पीपल या फिर एंटिटीज ओनली। ठीक है, इन्वॉल्व लेंडिंग टू सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स व्हाट? ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब है यहाँ पर? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हम सुनते हैं, पर प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब है? हमारे जो लेंडिंग नॉर्म्स है उसके बेसिस पर जो मैंडेटेड है, ओनली दो सेक्टर्स दैट हैव द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनको जो है इनके वेलफेयर के लिए जब लेंडिंग की जाती है, उनकी उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और अलग अलग तरीके से जो है लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए जब लेंडिंग की जाती है उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। ओनली दो सेक्टर्स दैट हैव अ हाई प्रपोर्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड। ठीक है, ऐसे कुछ सेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स, जहाँ इंडस्ट्री जहां पर वुमेन बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड है, इवन एग्रीकल्चर में भी वुमेन एम्प्लॉयड है। तो ये सारे क्या प्रायोरिटी सेक्टर हैं, और हमारा जो बेसिस है इनको क्लासिफाई करने का वो क्या, वुमेन जो एम्प्लॉयड है, ऐसे सेक्टर्स को हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। ओनली दो सेक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू इंडियन जीडीपी, इंडियन जीडीपी को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जिन सेक्टर से मिल रहा है उन्हें हम प्रायोरिटी सेक्टर कह रहे हैं। ऑफकोर्स वो प्रायोरिटी में है क्या, ऑफिशियली उन्हीं सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत दी जाती है वो है। चौथा यहाँ पर है, ओनली दो सेक्टर्स दैट हैव अ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन वास्ट पोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन एंड आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। ठीक है, तो हमारा सही जवाब यहाँ पर डी होगा, ऐसे सेक्टर्स जिनका सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है वास्ट पोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वास्ट पोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है यहाँ पर, लेट्स से एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट हाई रेंज में है, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर एम्प्लॉयड इन दीज सेक्टर्स।
साथ में दे आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, यानी कि मोस्ट अगेन द सेम थिंग कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, करते हैं ये सेक्टर्स, और इस वजह से इन सेक्टर्स में लोन्स देने की जरूरत है, क्रेडिट देने की जरूरत है, और ये जो क्रेडिट जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत मैंडेटेड तरीके से बैंक्स को कंपल्सरीली इन सेक्टर्स को इतना परसेंटेज तो क्रेडिट जो है वो देना ही होगा। ठीक है, तो वो चीज कही गई है यहाँ पर, और डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हो यही सेम चीज डिफाइन कर दी गई है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस, राइट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। एमएसएमई सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। एक्सपोर्ट्स को एमएसएमई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो एमएसएमई जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये मेजरली एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, तो कितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स को, राइट। अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखे, और एमएसएमई का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में कितना है, इज इट 28, 64, 20 या 40, ठीक है। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वो नंबर जो है वो आना चाहिए, किताब में भी है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है एमएसएमई सेक्टर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40%, ठीक है। 40% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को देते हैं। 100 रुपए अगर एक्सपोर्ट हम कमा रहे हैं, तो उसमें से 40 रुपए जो है वो एमएसएमई की वजह से, राइट। तो 40% इज द राइट आंसर, और यही चीज आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन आपका आपको दे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन को जैसे ही आप पढ़ोगे तो आराम से आपको और भी चीजें पता चलेंगी, आप पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हो। द करंट फ्रेमवर्क ऑफ पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द डैश ईयर। तो ये जो फ्रेमवर्क है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, कब इसकी शुरुआत हुई थी, इट डेट्स बैक टू विच ईयर, इज इट 1905, 25, 67 या 47, ठीक है। तो इनमें से सही जवाब है सी, 67। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, कब शुरुआत हुई थी, 67 में इस चीज की शुरुआत की गई थी। और यहाँ देख सकते हैं मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे उस समय, और इस समय में जो है इसे लाया गया। और इस के जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी हम बाय द एंड देखेंगे, ठीक है। सी यहाँ पर सही जवाब है। एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। एक्सपोर्ट्स हमने देख लिया और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में हमने देख लिया कितना कंट्रीब्यूशन है। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है एमएसएमई का, यहाँ पर भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 45, 40, 28 या 39, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन फैक्ट बेस्ड, आपको सही जवाब जो है सीधा सीधा आना चाहिए, गेस वर्क करने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। सही जवाब है सी, 28% कंट्रीब्यूशन जो है एमएसएमई का जीडीपी में होता है, राइट। 45% क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इतना कंट्रीब्यूशन है, और 40% क्या है, ये एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये नंबर अब आपको याद हो गए होंगे, राइट। इस तरीके से आपको इन चीजों को रिवाइज करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 28% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, और 40% जो है एक्सपोर्ट्स को इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट। तो ये चीज है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स आर प्रायोरिटी सेक्टर्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है उनमें प्रायोरिटी सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, इनमें से कौन सा सही है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे सेक्टर्स, उनकी डेफिनेशन आपको पता है, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है और वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है इन्फ्लुएंस हो रही है, एंड इवन वीकर सेक्शंस को जो है सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे सेक्टर्स होने चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑल्दो एम्प्लॉयमेंट हाई है, लेकिन वीकर सेक्शंस को कोई भी हम ये नहीं कह सकते फॉर श्योर कि वीकर सेक्शंस यहाँ पर एम्प्लॉयड है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तीनों इंक्लूडेड है, ठीक है। आप एक्सपोर्ट क्रेडिट में भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फोर जैसे ही आपने एलिमिनेट किया तो ये सारे आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, एंड द राइट आंसर इज ए, ठीक है। ये तीन है, इसके साथ में एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड वीकर सेक्शन जहां भी एम्प्लॉयड है, वो सारे सेक्टर्स आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, और इनको लेंडिंग करना दैट हैज बीन मैंडेटेड, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर व्हाट डस ए एन बी सी स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग,
एनबीसी हम कई बार सुनते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो इतना परसेंटेज ऑफ एनबीसी होना चाहिए। तो ये एनबीसी एक्चुअली है क्या? एनबीसी अप्रेज्ड नेट बैंक क्रेडिट है, अप्रेज्ड नेशनल बैंक क्रेडिट है, एडजस्टेड नेट बैलेंस क्रेडिट है, या फिर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। ठीक है, शब्दों का थोड़ा फेर किया गया यहाँ पर। आराम से आपको ये जो है, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप आराम से इस चीज को याद रख सकते हो। ये एक्चुअली है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, जो बैंक क्रेडिट है उसका नेट, और उसको एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका परसेंटेज, उसका सम परसेंटेज जो है, लेट से 100% एनबीसी आया, उसमें से इफ अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो 40% जो है इसमें से वो उन्हें लेंड करना होता है टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है ये वो अमाउंट दिखाता है जिसमें से सम परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के अलग अलग नॉर्म्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे, राइट? तो करेक्ट आंसर हियर इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब ये नेट बैंक क्रेडिट होता क्या है? बैंक क्रेडिट इन इंडिया अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। इस एक्ट में अलग अलग चीजें दी गई हैं, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज हो गए हैं, अलग अलग तरीके से जो मनी आता है टू द बैंक जो वो लेंड करता है वो सब दिए गए हैं, वो सब इंक्लूडेड है। बिल्स री डिस्काउंटेड विद आरबीआई एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनसे जो लोन्स लेते हैं बैंक्स, और इस का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसे हम बैंक क्रेडिट कह सकते हैं। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वन में से ये वाला पार्ट जो रिमूव करने के बाद जो बचता है उसे हम नेट बैंक क्रेडिट कह रहे हैं। तो ये जो बैंक क्रेडिट आ रहा है इसको एडजस्ट करना है, यानी एडजस्टेड तब हम कहेंगे जब इसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, बैंक अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी जब ऐड होते हैं तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो एएनबीसी आता है, राइट? तो ये है एएनबीसी और इसका कुछ परसेंटेज लेंड किया जाता है। अब आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। द ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इज डैश। ठीक है, यहाँ पर 45% ऑफ एनबीसी और सीईओबीई, विच एवर इज हायर। यहाँ पर सीईओबीसी है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ठीक है, इसको हम आगे के सेशंस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली जो भी लेंडिंग कर रहा है बैंक उसको एक तरीके से दिखाता है, उसका एक परसेंटेज जो है पीएसएल में लेंड करना होता है, राइट? एएनबीसी और सीईओबीई का फुल फॉर्म है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ये जो भी अमाउंट है इसमें से क्या 45% मैंडेटेड है फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? अगर इस सेशन को अच्छे से आपने देखा है तो आराम से इसको आंसर कर सकते हो। इज इट 50%, इज इट 55%, या फिर 40%? बताओ, आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा अभी तक। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, 40% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो मैंडेटेड लिमिट है, जो कंपलसरी उन्हें लेंड करना होता है, वो एएनबीसी और सीईओबी का 40% होता है, राइट? तो ये सारी चीजें बुक में दी गई हैं। और अगर हम देखें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का 40% हो गया, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस 40% हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स का 75% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का 75% है, राइट? आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया इज। ठीक है, अब इसका नंबर क्या है? यस, अगेन आपको पता होगा इसका नंबर 45 है, 40 है, 75 है या 65 है। तो अभी अभी हमने देखा, अभी अभी हमने पढ़ा कि इसका सही जवाब होगा सी, जो कि है 75%। ओके, रीजनल रूरल बैंक 75%। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पीएसएल जो टारगेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कितना है? ठीक है, इज इट 45, 40, 75 या 65? इस सेशन को अच्छे से अगर आप देखे हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप आराम से आंसर कर सकते हो। जरूर आंसर करिएगा इस क्वेश्चन को इन द कमेंट सेक्शन, देखते हैं किसका जवाब सही होता है, राइट? इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी सबके जैप के प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हो हमें इस नंबर पर 8146207241, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in पर। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।